वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। हम आज आपके लिए लेके आए सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, जो सिंगल फ्लेवर की है, पोर्टेबल मशीन है। पूरी पोर्टेबल में स्मॉल साइज है, A4 की साइज है, और सिस्टम इसके अंदर ऑल सिस्टम है, ऑल डिजिटल फंक्शन वाली मशीन है जिसके अंदर, और कोई भी स्मॉल स्पेस के अंदर आप इसको रख सकते हो। जैसे कि होम यूज, घर के यूज के लिए भी आप रख सकते हो इसके अंदर। कमर्शियल यूज है तो उसमें भी आप लगा सकते हो। कोई भी बड़ा मॉल है, शादी है, फंक्शन है, कोई भी रेस्टोरेंट है, या कोई भी कैफे है, बियर बार है, कोई भी स्पेस पे आप इसको स्मॉल ऑपरेट के लिए रख सकते हो। और इसको आप इंडोर प्लेस में भी रख सकते हो, एसी वाला इंडोर प्लेस रहता है, वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो मशीन को। तो हम आज आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे, इसको मशीन को इंस्टॉल कैसे करनी है और इसको ऑपरेट कैसे करनी है, इसको चलानी कैसे, पूरा इसके अंदर मटेरियल फिल करके सब हरे वर्किंग करके आपको पूरी जानकारी देंगे इसकी। तो आप ये वीडियो को पहले से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी रोज नई नई वीडियो प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे। सबसे पहले हम इसको मशीन को ऑपरेट कैसे करनी है उसकी आपको डिटेल जानकारी देंगे, समझाएंगे। सबसे पहले इसका स्टील मीटर है, ये कोई भी मशीन के अंदर, आप हरेक मशीन सॉफ्टी की देखना, इसमें प्लास्टिक के मीटर लगते हैं। इसका पूरा स्टेनलेस स्टील का मीटर है, और यहाँ पे प्लास्टिक का पिन लगाया हुआ है उसने, आप देख सकते हो, हेवी ग्रेड का पूरा मीटर है इसका, जो आइसक्रीम को वर्किंग करके निकालता है उसके अंदर से, और जिससे आइसक्रीम की क्वालिटी एकदम स्मूथ और वेरी क्रीमी क्वालिटी रहती है इसके अंदर। ये चीज लगाने से आइसक्रीम की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। तो हम आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, आप इसको देख सकते हो पूरा इसका, ये पोजिशन जाएगा आपने को, ये पोजिशन से इसको इंस्टॉल करना है। देखिए सेम पोजीशन के अंदर आपको लगाना है इसको, ये चीज बाहर रहना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये बाहर रहना चाहिए। ये देखो ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया, परफेक्टली लग गया, फिटिंग हो गया उसकी पोजीशन में। उसके बाद इसका जो हेड है, जहां से अपने आइसक्रीम को सर्व करेंगे, हैंडल को दबा के इसका हेड उसके बाद अपने लगाएंगे इसमें, ये पोजिशन के अंदर इसको लगाना है अपने हेड को। ये दो पॉइंट रहते हैं, बोल्ट को कस देना है आपको। आपको कस देना है अच्छे से। इसका ड्रेनेज है, जाली और ट्रे है, जो नॉर्मल जो कोई बुंद बुंद आइसक्रीम का मिल्क होकर निकलता है तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, नीचे कोई खराब नहीं करेगा कोई चीज इसके अंदर। और नॉर्मली कूलिंग का जो ओवर फ्लो पानी रहता है उसका यहाँ पे पाइप दिया, जिससे नॉर्मली बुंद बुंद जो गिरता है वो यहाँ से निकलेगा इसके अंदर, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे इसका ऑन का स्विच दिया गया है, इसको ऑपरेट करने के लिए, मशीन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, आप इसको दबा के इसको स्वाच स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए इसका डिस्प्ले स्टार्ट हो चुका है, वेलकम का ऑप्शन का डिस्प्ले आएगा। बाद में इसमें हर एक फंक्शन है ऑपरेटिंग के लिए, कैसे इसको ऑपरेट करना है उसका हर एक फंक्शन है इसमें। अभी हम इसका नॉर्मल वॉश करेंगे नॉर्मल पानी से। सबसे पहले इसका जो बाउल है वो ढक्कन निकाल देंगे अपने यहाँ से, ये नॉर्मल सादा पानी है। ये वो नॉर्मल पानी हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले में एक ऑप्शन है वॉश करके, आप यहाँ पे देखिए वॉश करके बटन दिया गया है, वो वॉश का आपने बटन दबाएंगे इसलिए इसका अंदर का जो रोलर है वो वॉशिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी अंदर रोलर में जो भी डस्ट है, यहाँ पे जो टंकी में डस्ट है, जो भी कचरा है छोटा मोटा डस्ट, वो सब वॉशिंग के जरिए पूरा घूम जाएंगे उसके अंदर। इसको आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक चलाना है, 1 या 2 मिनट वॉशिंग को बटन चलाना है आपको,
उसके बाद जितना आपने पानी उसके अंदर डाला है उसको रिड्यूस कर देना है, निकाल देना है पानी को। पूरा पानी निकल चुका है, अपने वॉश को बटन को बंद कर देंगे, ऐसे उसका बटन है उसको दबा देंगे, इसलिए वॉशिंग हो जाएगा बंद इसका ऑप्शन। ये पूरा क्लीन हो चुका है, इसके अंदर हमने मैंगो का मटेरियल बनाया है, मैंगो फ्लेवर का इसके अंदर आइसक्रीम का मटेरियल बनाया, आप देख सकते हो पूरा। हम जो और बार रेसिपी आपको बताते हैं वो हिसाब से हमने इसकी पूरी रेसिपी बनाई हुई है इसमें। मैंगो का फ्लेवर हम इसके अंदर फील करेंगे। मटेरियल लगा दिया हमने, देखो डस्ट इसके अंदर ना जा रहा इसलिए वो बाउल को लगा देंगे इसमें। अब सबसे पहले यहाँ पे फ्रीज का बटन लिखा गया है, फ्रीज करके, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट होता है, फ्रीज करके लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, फ्रीज करके लिखा हुआ है, जिससे अभी हम पुश करेंगे इसका आइसक्रीम बनना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। अभी देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कितना आइसक्रीम बन रहा है, ये आइसक्रीम का अभी आधा कोन है, जब ये आइसक्रीम का कोन पूरा बन जाएगा तब आइसक्रीम रेडी खाने के लिए रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। अभी ये सेफ रेट है 65 है, जब ये सेफ रेट 100% आ जाएगा तब हम आइसक्रीम इसके अंदर से सर्व कर पाएंगे, निकाल पाएंगे इसके अंदर से। बाकी सब जानकारी भी इसके अंदर दी गई है, इसको आप पुश करेंगे इसलिए अब जानकारी देंगे, रनिंग क्या टेम्परेचर कितना एम्पियर ले रहा है, कितना प्रोटेक्शन है, आउटलेट कितना निकाला हुआ है, हर एक जानकारी यहाँ पे फंक्शन में आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हो पूरा रनिंग शाफ्ट कितना गियर का चल रहा है, आरपीएम कितना है मशीन का, साइकिल कितना है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे इसके अंदर। और थोड़ा कूलिंग हो रहा है उसके हिसाब से हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। मशीन के साथ इसका ग्रीसिंग, फूड ग्रीसिंग, जो कोई भी यहाँ पे जो बटन है इसको ऑप्शन को ऑपरेट करने के लिए थोड़ा फूड ग्रीसिंग जो रहता है वो फूड ग्रीसिंग का भी फ्री में दे रहे हैं आपको। दूसरे नंबर पे इसका यूजर मैन्यूअल, ये यूजर मैन्यूअल है हाउ टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट कैसे करना है, कैसे चलाना है, क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर, क्या क्या डिस्प्ले कैसे लगाना है, हर एक जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है, आप पूरा देख सकते हैं इसके अंदर कैसे डिस्प्ले को सेटिंग करना है आपको, कैसे इसको चलाना है, हर एक फंक्शन इसके अंदर डिस्प्ले में शो है इसके पेपर में। तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा ऑपरेट करने के लिए, ये चीज़ बहुत बेटर है आपके लिए, अच्छी चीज़ है। दूसरे नंबर में इसका ओरिंग है, वाइसर है, उसका किट भी है, साथ में इसका ब्लेड भी है, जो बीटल के अंदर ब्लेड लगता है ये ब्लेड भी हम कंपनी में साथ में फ्री में दे रहे हैं आपको। इसका जो ब्रश है वॉश करने के लिए, बीटल यहाँ पे अंदर ब्रशिंग करना है, इसका ब्रशिंग ये सब चीज हम दे रहे हैं साथ में। मशीन को साफ सुफ करने के लिए पुआला जो रहता है वो भी मशीन के साथ में रहता है, और हर एक मशीन के साथ हम 10 किलो पाउडर फ्री में दे रहे हैं, लेकिन पोर्टेबल स्मॉल मशीन है इसके साथ हम 5 किलो पाउडर फ्री में देंगे आपको, वुडन बॉक्स पैकिंग देंगे, फ्री डिलीवरी आप पूरे इंडिया में कोई भी लोकेशन है वहाँ पे फ्री में डिलीवरी आपको मिल जाएगी, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है इसका। और फ्लेवर मिक्स करने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसके अंदर आप फ्लेवर भी मिक्स कर सकते हो और आपको कोई भी दूसरा चीज़ भी बनाना है उसके अंदर, जैसे थिक सेक है, मिल्क सेक है, या कोई भी यदि आइटम बनानी है तो भी वो मटेरियल वो मशीन के अंदर आप उसको कर सकते हो। वो मशीन हम आपको दिखाएंगे किस टाइप की मशीन रहती है, ये पूरी मशीन आती है, इस टाइप का पूरा बॉक्स रहता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप का ब्लेड रहता है, इसका ब्लेड है मशीन मीटिंग पर, ये बाउल रहता है जिसके अंदर आप आइसक्रीम निकाल के, इसके अंदर से जैसे आपने आइसक्रीम निकाल लिया, अगर थिक सेक बनाना है तो थिक सेक में आइसक्रीम जितना बनना है उतना डाल दिया, थोड़ा मिल्क लगा दिया आपने, और ये मशीन रहता है इससे आपने चालू करके उसको मिक्सर कर दिया, इसलिए हो जाएगा थिक सेक आपको। अगर फ्रूट को क्रश करना है आपको, कोई भी फ्रूट है उसका आपको क्रश करना है, एक किट रहता है, इसको आपने यहाँ से ब्लेंड निकाल दिया, यहाँ पे लगा दिया आपने,
ये ब्लेड पूरा जो आपने इसमें मटेरियल फूड डाला उसका क्रश बना देगा, पूरा लिक्विड बना देगा। आइसक्रीम के ऊपर डालने के लिए नेचुरल क्रश है, वो सब बनाना है तो इसके अंदर ये मशीन हम साथ में फ्री में देते हैं, हर एक मशीन के साथ में कस्टमर को फ्री में देते हैं। और बहुत ही बेटर मशीन है, पोर्टेबल मशीन है पूरी, आप इसको अपने खुद के घर पे भी लगा सकते हो। आपको कोई मेहमान आते हैं, शादी फंक्शन रहता है, और अगर आप भी आइसक्रीम के शौकीन है, रोज आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो आपके घर पे ही आप मशीन खरीद के इसको नेचुरल एवरीडे लाइव और नेचुरल आइसक्रीम इसके अंदर खा सकते हो, बना के सर्व कर सकते हो पूरी फैमिली को, या कोई भी मेहमान आते हैं उसको आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मशीन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे, यहाँ पे आप देखिए ये पूरी मशीन का लुक देखिए, पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक है पूरा मशीन का। यहाँ का पूरा बॉडी स्टील का रहता है, ये बॉडी रहता है प्लास्टिक का लुक रहता है। और यहाँ पे इसका थोड़े फंक्शन है, आप फंक्शन भी देखिए क्या क्या इसके अंदर सिस्टम है, पूरा इसका मॉडल नंबर क्या है, कितना गैस यूज होता है, और वजन इसका आप देखिए 43 kg वजन है, 43 kg वेट है इसका, आप देखिए पूरा ये पूरा लेबलिंग के अंदर पूरा सिस्टम डाला हुआ है। अभी आइसक्रीम पूरा रेडी हो चुका है, अभी सर्व करने के लिए रेडी है, तो अभी हम इसके अंदर से आइसक्रीम निकाल के आपको बताएंगे इसको ऑपरेट करके। अच्छा देखिए पूरा क्वालिटी आप आइसक्रीम का, एकदम स्मूथ और क्रीमी आइसक्रीम है इसका, इसका क्वालिटी देखिए। अभी मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम बनाया है हमने, अभी दूसरा कप बना के निकाल दिखाएंगे आपको। ये देखिए बेस्ट क्वालिटी का आइसक्रीम है, एकदम स्मूथ और क्रीमी है पूरा आइसक्रीम। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, हर एक फंक्शन इसके अंदर टच डिस्प्ले दिया गया है, हर एक फंक्शन ऑटोमेटिक है, हर एक फंक्शन आप इसके अंदर सेट करते कर सकते हो। इसके अंदर आपको एवरीडे का डेट है, टाइमिंग है, वो भी सब दिखाई देगा, इसके अंदर डिस्प्ले में सेट किया हुआ है आज का क्या डेट है, क्या टाइम है इसका, हर एक चीज़ इसके अंदर लगाया रहता है, और अंदर का कितना टेम्परेचर है वो सब भी इसके अंदर डिस्प्ले में ही बता दें आपको। अभी 87% रेडी हुआ है आइसक्रीम सर्व करने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रोज़ नई नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।